ब्रह्मांड और हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाएं हमारे दिमाग की वजह से ही मौजूद हैं और हमारा दिमाग भी इन्हीं बाहर होने वाली घटनाओं की वजह से कुछ कर पा रहा है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ नष्ट होती है तो अपने आप ही दोनों चीज़ें नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दिमाग के बिना किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं होगा और जब कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी तो आखिर दिमाग देखेगा क्या। अगर थोड़ा गहराई में सोचे तो आपको पता चलेगा कि हमारी आसपास की दुनिया हमारे दिमाग की एक रचना हो सकती है। जिस लाइट को हम देखते हैं, जिस आवाज़ को हम सुनते हैं, वहाँ ब्रह्मांड में मौजूद लाइट और साउंड का एक बहुत छोटा सा भाग है। आखिर वास्तविकता क्या है, या फिर रियलिटी ही रियल नहीं है, या यह सब सिर्फ एक छलावा है और हमारे मन का भ्रम है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बहुत गहरी दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां पर जाने के बाद शायद आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसे लोग जो यहां मानते हैं कि उनके दिमाग के बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और वहाँ सिर्फ एक छलावा है, उन्हें विज्ञान की भाषा में सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स नाम का एक दिमागी कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे लोग को लगता है कि जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वह उनके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो अगर एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि जब हमारा मस्तिष्क ही नहीं रहेगा तो आखिर इस ब्रह्मांड को देखेगा और सुनेगा कौन, और फिर इस ब्रह्मांड की अहमियत ही क्या रह जाएगी। यह आइडिया सबसे पहले 17वीं सदी में रेने डिस्कार्ट ने दिया था। उन्हें भी गहराई में सोचने पर यह लगता था कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करता है, या फिर यह सिर्फ हमारे दिमाग की ही रचना है जो हम एक वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वह एक अटल सत्य जानना चाहते थे, यानी एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए सच्चाई हो। इसके लिए उन्होंने एक रास्ते को अपनाया जिसे कहा जाता है सर्टेसियन डाउट। इस तरीके के मुताबिक आप जो भी चीज़ें आम दुनिया में देखते हैं उन सब चीज़ों पर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए और तब तक क्वेश्चन पूछते रहिए जब तक अंत का एक उत्तर ना मिल जाए। जब उन्होंने यह रिसर्च खत्म की तो उन्होंने एक बात बोली जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, थिंक देयर फोर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं जिंदा हूँ। इस बात से वह यही जानना चाहते थे कि हमारे दिमाग के बाहर सच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता और रियलिटी सबकी अलग होती है। हमारे लिए आसमान नीला है, लेकिन अगर कोई इंसान कलर ब्लाइंड होगा और उसे नीला रंग नहीं दिखाई देता होगा तो उसे आकाश नीला नहीं दिखेगा, मतलब उसके लिए रियलिटी कुछ और ही है। ऐसा माना जाता है कि सोलिप्सिज्म फिलोसॉफी के सबसे डीप और कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स में से एक है। यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर रिसर्च भी नहीं की जा सकती, और जब आप इसके बारे में डीप में सोचना शुरू करेंगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा बहुत चकराने लगेगा। मान लीजिए इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और नहीं है और हम लोग भी किसी बड़ी आपदा की वजह से मर जाते हैं। अब आप सोचिए कि आखिर यह ब्रह्मांड फिर बना किस लिए है, क्योंकि इसमें हमारे जैसे जीव तो है ही नहीं जो इसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर हम तारों पर रिसर्च ही नहीं करेंगे तो आखिर तारे किस काम के, अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आखिर मंगल ग्रह ही किस काम का। ऐसे ही कई सारे सवाल अपनी रियलिटी पर लगाकर सोलिप्सिज्म के आइडिया को महसूस किया जाता है। यहाँ आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, क्या यह सच में आप अपने मन से कर रहे हैं? क्या सच में वहाँ आप ही हैं जो इस वीडियो को देख रहा है? आखिर आप हैं क्या? हैं ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और शायद नामुमकिन भी। ऐसा कहा जाता है कि यह दिमागी कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि हम इंसान अपने दम पर जी ही नहीं रहे हैं, बल्कि कोई बहुत आधुनिक एलियन सिविलाइजेशन हमें कंट्रोल कर रही है। इसी सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसके मुताबिक इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली सिविलाइजेशन मौजूद हैं और वह हमको कुछ उसी तरह से कंट्रोल कर रही हैं जिस तरह से हम वीडियो गेम में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप ही सोचिए कि गेम में मौजूद कोई कैरेक्टर अगर अपनी रियलिटी पर सवाल उठाने लगे तो उसे क्या महसूस होगा? उसे कभी यह समझ में नहीं आएगा कि वहाँ तो पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है और वहाँ जो सोच रहा है वहाँ भी पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में है और वहाँ लोग हैं हम।
ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है। शायद हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और आज हम जो भी चीज़ों पर सवाल उठा रहे हैं वह सवाल भी किसी और के ही हो, इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यही एकमात्र थ्योरी बचती हैं जो हम अप्लाई करके अपने आप को छोटी सी संतुष्टि दे सकते हैं। अगर इस सवाल की बात करें कि हमारे दिमाग के बाहर कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसका उत्तर देना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि आखिर हम अपने दिमाग से ही यह सवाल पूछ रहे हैं कि दिमाग के बाहर कुछ है या नहीं। हम वास्तविकता उसी को मानते हैं जो हमें दिखती और सुनाई देती हैं, जबकि रियलिटी सबके लिए पूरी तरह से अलग होती हैं। एक मेंढक को दिखने वाली दुनिया, उसके जीने का तरीका, उसके जीने का मकसद हम इंसानों के जीने के मकसद से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। उसे चीज़ें सुनाई भी हमसे काफ़ी ज़्यादा अलग देती हैं और दिखाई भी, इसलिए यहाँ तो कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक यूनिवर्सल रियलिटी भी है, मतलब एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए समान हो। अगर आप भी रात में तारों की तरफ देखते हुए इस ब्रह्मांड पर, अपने दिमाग पर और अपने आप पर सवाल उठाएंगे, तो आपको भी सोलिपसिज्म के बेहतरीन आइडिया समझ में आने लगेंगे। अपने सवालों की शुरुआत इस बात से करिएगा कि हमारे बिना यहाँ ब्रह्मांड आखिर है ही क्या। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।